व्यूअर्स, मैं हूँ आतिफ और आज है 3rd रमज़ान और आज है तहा का रोज़ा। तो हमने कहा कि आपके साथ ये वीडियो भी शेयर की जाए, उसकी रोज़ा जो है कुशाई की जाए। और वो काफ़ी एक्साइटेड है आज और माशाल्लाह से उसने काफ़ी हिम्मत किया रोज़ा रखने की और उसके लिए आज काफ़ी चीज़ें बन रही हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। और अम्मा जी, क्या रही हैं, हरा धनिया आना या नहीं, लाइक आ रहे हैं? मम्मी जी बन रहा जी चिकन और वेजी सैंडविच है। वेजी मैंने काट के रखे हैं, देखें कितनी अच्छी तरीके से इनको मैंने काट के रखा है। और ये मैंने चिकन बॉयल किया हुआ है और इसको आप छोटा छोटा काट रही हूँ स्प्रेड करने के बजाय। गुड है, तो सैंडविच बनाओगी? हाँ, इसमें आप बाकी चीज़ें डालेंगे जब प्रोसीजर पूरा दिखाएंगे कैसे सैंडविच बनाती हूँ आज मैं मज़े से। ठीक है, तो जब हमारे सैंडविच बनते हैं तो हम बाकी वीडियो फिर दिखाएंगे इंशाल्लाह। ओके, चलेंगे। तहा का आज पहला रोज़ा और तहा ने बड़ी हिम्मत की है। रोज़ा कैसा जा रहा है आपका? अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। और तहा बर्गर खाएगा? तहा ने बड़ी हिम्मत की है माशाल्लाह से, तहा ने रोज़ा रखा हुआ है और सुबह और अभी इसके लिए हम बना रहे हैं सैंडविच और बर्गर और बाकी चीजें भी बनाऊंगी। ये सैंडविच के लिए मैंने मायो लिया, इसमें नमक और काली मिर्च डाली है और जो मैंने सब्जी और चिकन अपना रखा हुआ था इसके अंदर ऐड करूंगी आहिस्ता आहिस्ता और मिक्स करती रहूंगी जितना मुझे चाहिए। ठीक है, इस तरह अच्छे से मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सा और ऐड करते हैं हम इसके अंदर, इसकी खुशबू बहुत मजे की आ रही है। क्यों आती ये सारा मैंने इसके अंदर सारा मैंने ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारा एक जैसा हो जाए। इसके कॉर्नर मैं रिमूव कर देती हूँ साइड से इसके। और अब इसके अंदर अपनी फिलिंग ऐड करूँगी। कॉर्नर में सही फिलिंग अच्छी सी, जब तक मजे की फिलिंग ना हो खाने का मजा नहीं आता। की जी बिल्कुल जी बिल्कुल, फिलिंग अच्छी होनी, फिलिंग मजे की होनी चाहिए। रोज़ा है और मुँह में पानी आ गया, बने भी मजे के ना। इनको मैं अब कट करके शेप दे देती हूँ। जी हमारा सैंडविच तैयार, आसान सा सैंडविच है यार, दो मिनट में बनता। ये बन रहे हैं ताक के लिए बर्गर। ये हमने रखा शामी कबाब और नीचे लगाई हमने मायो और ऊपर रखा हमने सैलेड। यार एक साड़े ऐसे ही बर्गर बनाओ ना, ये खाली एक बच्चे ऐसे बेटे ऐसे बनाना है। नहीं बना रही हूँ, दो बना रही हूँ। ये लगाया केचप और ये हो गया बर्गर तैयार, सिंपल बच्चों के लिए। ये हमारा बर्गर तैयार है, ये इसको हम खाएंगे अभी। हमने बनाए हैं दही भले और ये हमारा बेसन तैयार है पकौड़ों के लिए। और ये अम्मा जी बना रही हैं कोफ्ते, ये इन्होंने प्याज ब्राउन कर रही हैं और साथ उबले हुए अंडे। वाह जी वाह मम्मी जी, ये रमज़ान में जितना भी खाना है ना, खाना जो भी है स्पेशल वो मम्मी जी बनाती हैं। तो ये ताक के लिए बने रगेट्स जिसमें ये स्टार बने हुए हैं और रिंग बने हुए हैं और हार्ट शेप बने हुए हैं। ये अम्मा जान इसको कह रही है डंगरा, ये अमरूद से कभी किसी ने छिलका उतारा है? ये देखें जुगनू उस्ताद काट दिए खैर। और डंगरा भी बना रही है अभी के लिए, ये चीज़ें काट रही हैं और काम ज़रा तेज़ी से चल रहा है क्योंकि टाइम थोड़ा है। और ये बेगम समोसे पकौड़े बना रही है और ये नगेट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसकी एक वजन ये पिक्चर क्योंकि रमज़ान में पकौड़े ना बने तो मज़ा नहीं आता। तार की थोड़ी सी जो है ना बेस्ती हुई है और अभी ये जो है ना बारीक बारीक कट रहे हैं। अम्मा जी कह रहे हैं ठीक काट रहा हूँ, वो कह रहे ठीक काट रहा हूँ। छोला आप काट रहे हैं कुछ काम, वीडियो बनाते रहते हैं। देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ और तुझे मैंने कहा जिंदगी में सिर्फ पबजी नहीं खेलनी होती, और भी बहुत से काम करने होते हैं। मैं धनिया तोड़ने के लिए लाया हूँ क्योंकि जो कोफ्ते और अंडे बन रहे हैं उसमें हम अपना धनिया फ्रेश धनिया डालेंगे। ये हमने अपना फ्रेश धनिया लगाया हुआ है
और ये देखें ये है जी क्या कहते हैं इसको लहसुन, ये हमारे लगे हुए हैं सलाद के पत्ते, पुदीना, टमाटर, और ये टूटू है। टूटू को अभी काफ़ी सख्त रोज़ा लगा हुआ है और कह रहा है जल्दी से रोज़ा खुले और इसको बस इसका जो है क्या कहते हैं ना स्टेमिना ख़त्म हो चुका है। ताहा का रोज़ा कैसा रहा है? अच्छा रहा है। अच्छा रहा है। आपने क्या सीखा है रोज़े से? रोज़े से सब्र करना सीखा है। सब्र करना सीखा है। वेल डन। ताहा के लिए बहुत सारी भाई क्लैपिंग करें अपने लिए। वाह सब क्लैपिंग करें। ताहा ने बहुत अच्छा रोज़ा रखा। बीनो भी क्लैपिंग करेगी। चलिए आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? ताहा ने बहुत अच्छा रोज़ा रखा है और इसकी हिम्मत है इस छोटे से बचने जो है रोज़ा रखा है ताकि ये बड़ा हो और ताकि ये रोज़े रख सके। ठीक है। वेल डन ताहा। ओके जुगनू साहब आपने भी रोज़ा रखा है। ठीक है जी। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें और हाँ।